नमस्ते, मैं हूँ पायल रोहतगी और आज हम लोग है ना ट्रैवल कर रहे हैं। जी हाँ, मैं अपनी मम्मी को एक साल के बाद ट्रैवल करवा रही हूँ। शी इज़ बीन टेकन टू बॉम्बे, सो लेट्स सी हाउ शी रिएक्ट्स। हेलो वीना। हेलो। मास्क पहनो। अभी खाना खाने के लिए मास्क निकाल दिया, बोलने के लिए मास्क निकाल दिया। मैं ऑब्वियसली अभी पहन लिया। अभी मैं बहुत कान में दुख रहा था इसलिए मैंने मास्क निकाल लिया। एंड अहमदाबाद एयरपोर्ट के अंदर ये लाउंज को आई थिंक इन्होंने कुछ रेनोवेशन किया है, सब कुछ किया है, सो अच्छी बात है। मगर यहाँ पर है ना, जब हम अपने जो हैंड बैगेज होता है ना, ये जो हैंड बैगेज, इसको हम जब ट्रॉली मतलब वो स्कैनिंग के लिए डालते हैं, तो वो जो ट्रेज होती है ना, वो सैनिटाइज नहीं होती। फ़ोन निकालने को बोलते हैं, सब कुछ निकाल के ट्रे पे रखने को बोलते हैं, मगर ट्रे सैनिटाइज नहीं होती। मगर ऑब्वियसली कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज हम कुछ करेंगे तो हमको यू नो गुस्सा मिलेगा, तो वी हैव टू बिहेव लाइक सिविलाइज सिटीजन्स। मगर ट्रे सैनिटाइज नहीं होती। एंड मैंने सब जगह अदानी के यू नो दोज देखे मशीन्स जहाँ से हमको बोर्डिंग पास लेना पड़ता है। तो आप इंडिगो के काउंटर पे जाओ, अपना लगेज चेक इन करो, मगर आपको खुद जाके वो मशीन्स जो अदानी की इंस्टॉल्ड मशीन्स है वहाँ से अपना बोर्डिंग पास लेना पड़ता है। एंड ऑब्वियसली अगर आपको नहीं पता तो आपको वेट करना पड़ता है, क्योंकि टाइम लगता है फॉर देम टू एक्सप्लेन इट टू यू। फिर खुद का बोर्डिंग पास खुद निकालो और खुद उसके ऊपर बैगेज टैग लगाओ और ऑब्वियसली प्रोसीड करो टूवर्ड्स टेकिंग योर फ्लाइट। सो लाइफ हैज़ एक्चुअली बिकम वेरी आत्मनिर्भर। व्हाट्स इट? मैंने कुछ खाना ऑर्डर किया है जो लाउंज में आता है, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द लाउंज फैसिलिटी। तो मम्मी, आपको लगता है खाना फ्लाइट के उड़ने से पहले आ जाएगा? पक्का? सो आप अभी एक साल के बाद घर से निकले हो, मम्मी इज़ डे आउट, कैसा लग रहा है? Nice. जेल से बाहर निकल के? नाइस। ये मूंग दाल खिचड़ी है जो मैंने खुद के लिए मंगाई है। मदर, मुझे लग रहा है कि मेरी माता जी की आंखें उसके ऊपर है। ओह, आंखें है ही नहीं, शी स्टार्टेड वॉकिंग ओनली। तो अभी हम मूंग दाल खिचड़ी खाएंगे जो हमें एयरपोर्ट के लाउंज में मिला है। इट लुक्स हेल्दी, सो लिटल बिट। ये पता है टेबल्स बहुत नीचे हो गए हैं, देखो इतना नीचा हो गया है। सो मुझे ना झुक के खाना पड़ता है, तो जिसके बैक में प्रॉब्लम होगी उसको तो कितनी प्रॉब्लम होगी। नॉट राइट। जिसने भी ये लाउंज का डिजाइनिंग किया है, बहुत पैथेटिक डिजाइनिंग है। बैक में प्रॉब्लम हो जाएगी, टेबल एकदम नीचे है। व्हाट इज रॉन्ग विद यू? डिटॉक्स पानी आया है और क्या आया है, एक दूसरी प्लेट आई है। एंड दिस जेंटलमैन हैज हेल्प्ड अस विद अ लिटिल ऊंचा टेबल। थैंक यू। ये क्यों टेबल को इतना नीचे कर दिया? वो नहीं बोलेगा ना, डिजाइनिंग है। किसने दिया? किसका एयरपोर्ट है? अदानी। अदानी का एयरपोर्ट है? खाना तो यहाँ पे काफ़ी फ्रेश है, इट्स वेरी वेरी नाइस। बट ये जो टेबल का सिनेरियो है ना, वो बहुत ज़्यादा पैथेटिक है। मतलब झुक के बैक को खाना खाना पड़ता है। एंड द प्लेट्स आर ऑल्सो दोज डिस्पोजेबल प्लेट्स, तो अगर प्लेट को ऊपर उठाओगे ना, तो खाने के प्रेशर से मतलब दाल के प्रेशर से वो प्लेट टूट के तुम्हारे गोदी में गिर सकती है। सो हुएवर हैज़ डन दिस डिज़ाइनिंग, दे नीड टू सॉर्ट इट आउट। अदानी आई प्रिज्यूम हैज़ टेकन ओवर द एयरपोर्ट। आप देख रहे हैं ये प्लेट की हालत, द प्लेट कागज की प्लेट है, तो ज़्यादा दाल होगी, ज़्यादा सब्जी होगी, तो प्लेट को उठाएंगे तो वो गिर जाएगी। एंड टेबल बहुत छोटा है, नीचे है हाइट में, तो झुक के खाना पड़ रहा है। सो जो भी डिज़ाइनर था ये कुर्सी टेबल का, पैथेटिक डिज़ाइनर था। तो अभी हमने हमारा सो कॉल्ड लंच खा लिया है छोटे हाइट वाले टेबल के अंदर, टेबल के ऊपर, छोटे हाइट वाले टेबल के ऊपर। और अभी हम बोर्डिंग के लिए जा रहे हैं। एंड दिस पर्सन हैज़ बीन रियली हेल्पफुल। क्या नाम था आपका? अरकम। अरकम, अरकम हैज़ बीन रियली हेल्पफुल, थैंक यू अरकम। अरकम ने मेक श्योर किया कि हम लंच खाएं। सो अभी हम गेट की तरफ जा रहे हैं। मदर अपना धीरे धीरे चल रही है। एंड यू कैन अंडरस्टैंड, लाइफ इज़ टू मच आत्मनिर्भर, जैसे मैंने आपको बताया। सो मम्मी ने अपना पहली बार इंडिगो का ये पहन लिया है शील्ड। हाउ आर यू फीलिंग? आई थिंक जबान बंद, फेस बंद, शी इज़ ऑल सेट टू टेक अ फ्लाइट आफ्टर वन ईयर। ओ माई गॉड मीना, क्या हुआ मम्मा? ऐसा क्यों कर रहे हैं? अभी एक मास्क तो खुद पहन लिया, फिर दो दो मास्क का वो पैकेट क्यों खरीद डाल रहे हैं? To take it home. So, do you think for future use? Oh my God, Indian mentality. एक के साथ एक free.
मैंने भी अपना फेस शील्ड पहन लिया है बिकॉज दैट्स द वे वी ट्रैवल एंड इट्स सो क्लॉस्ट्रोफोबिक इट इज़ सो पैथेटिक ट्रस्ट मी वेयरिंग दिस फेस शील्ड बट यू हैव टू वेयर इट बिकॉज वी हैव टू बी केयरफुल बट सच में इतना ताम झाम I really respect women who kind of cover their faces, चाहे वो घूंघट हो या बुरखा. I don't know how they do it, but they do it. तो अभी हम लोग बैठ चुके हैं. I don't know आपको मेरी आवाज़ audible है कि नहीं है, मगर I prefer the first row. That's how it is. And first row पे थोड़ा leg space मिलता है because otherwise there is no leg space. Mummy, are you comfortable? Yeah, very comfortable. Are you sure? Yeah. तो अभी हम लोग set हैं. आई रियली डोंट नो कैसे लेडीज़ यू नो कवर कर सकते अपना फेस चाहे घूंघट हो चाहे बुरखा हो. रियली माई सिंपथीज टू देम बिकॉज बचपन से उनके अंदर एक थॉट प्रोसेस होता है कवर देयर फेस. इट्स रियली रियली वेरी डिफिकल्ट. लगता है जैसे आप जेल में बंद हो. बट लुकिंग एट कोविड ऑब्वियसली वी हैव टू डू इट. बट विदाउट कोविड वीमेन वर डूइंग दैट टू देमसेल्व्स. औरतें कर रही थी अपना फेस कवर कर रही थी घूंघट से बुरखा से. वेरी वेरी सैड. Very, very sad. आपने फ्लाइट में दिखाया लाउड में दिखाया फ्लाइट में दिखाया जस्ट ऑन अ बिग जिंग स्प्री. तो हम बॉम्बे लैंड हो चुके हैं. मदर आर यू एक्साइटेड? आर यू टायर्ड? नो 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 नो. हम ऑब्वियसली वेट कर रहे हैं कि कब हम गाड़ी में बैठेंगे और ये सब ताम झाम निकालेंगे और देखते हैं हमें कोई पिकअप करने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि हमारा जो डिपार्चर होने वाला है फ्रॉम मुंबई एयरपोर्ट कैब में होगा कि मर्सिडीज़ में होगा. क्या हमारे फ्यूचर में लिखा है ये हमें अभी थोड़ी देर में समय में पता चलेगा. मैंने फ़्लाइट पकड़ने से पहले कोविड टेस्ट नहीं किया तो मम्मी और मेरे को अभी कोविड टेस्ट करना पड़ा है मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर. दिस इज़ रियली रियली बट वी हैव टू फॉलो द रूल्स बिकॉज रूल्स को तो फॉलो करना पड़ेगा. तो दिस इज़ अस गेटिंग टेस्टेड ऑन द मुंबई एयरपोर्ट एंड आप देख सकते हैं दे हैव मेड दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट हियर. एक्साइटेड मदर? सो 850 रुपीस पर हेड पेमेंट ले ली गई है. पांच खोल के मैसेज किया मैसेज देखा स्ट्रेट राइट साइड. सो कोविड टेस्ट करने जा रहे हैं हम बिकॉज हम करके नहीं आए बिकॉज हमें पता नहीं था हम बॉम्बे आने वाले हैं. सो दिस इज लाइफ. कैसे हैं आप? ये मेरा ये डॉक्टर साहब है ये हमारा कोविड टेस्ट करने वाली है. अब मम्मी का कोविड टेस्ट हो रहा है एंड ये लेडी ने मुझे पहचान लिया तो इसको मेरे को मेरे साथ सेल्फी चाहिए है ना. चल मैं तेरे मोबाइल में ले लूँगा सेल्फी निकाल. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. इनको भी हाँ क्या कह रहे हो आप? मैं आपके सब वीडियोस देखती हूँ जैसे स्टार्टिंग से सुशांत का हुआ तब से ईच एंड एवरी मैं वीडियोस आपका पूरा देखती हूँ और आपको फॉलो करती हूँ. थैंक यू. सुशांत के साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ. एक्चुअली बहुत बुरा हुआ. एक्चुअली बहुत बुरा हुआ एंड दैट इज व्हाई आई थिंक लॉट ऑफ जो जो बात बोली मैं सब अग्री करती हूँ. तब से मैं आपको फॉलो करती हूँ आपके हर एक वीडियोस में देखती हूँ. थैंक यू. आई होप सीबीआई कोई स्टेटमेंट दे यू नो. तो हमारा टेस्ट हो चुका है और अब हम जा रहे हैं 850 पर हेड पे करके टेस्ट करके. होपफुली एवरीथिंग इज सेफ. एंड वहाँ पे मेरे फैंस भी थे जिन्होंने आई थिंक ज़्यादातर मेरे सुशांत सिंह राजपूत के वीडियोस देखे थे. मैं वीडियोस तो उसके पहले भी बना रही थी मगर सुशांत सिंह राजपूत की मौत से मुझे बहुत दुख हुआ था एंड मैं अभी भी मानती हूँ उनकी जो डेथ थी वॉज अ कॉन्स्पिरसी. कॉन्स्पिरसी लेड हिम टू टेक हिज ओन लाइफ ये तो सीबीआई बताएगा. बट येस
his death was really, really a very sad incident in Bollywood.